हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं बना रही थी पकोड़े और चाय। तो चाय पकोड़े बन गए थे, सभी लोग खा लिए थे, सिर्फ हम ही बाकी थे। तो हम चाय भी नहीं पिए थे, अभी चाय और पकोड़े खाएंगे। हम और ऐसे भी दोनों जन नहीं खाए थे और सभी लोग खा लिए थे। तो मैं चाय गर्म कर लूँगी और दोनों जन हम लोग भी जा रहे हैं खाने। आप सब भी आके खा लीजिए पकौड़े। और आज था मेरे पति देव का बर्थडे, तो मतलब वो ज़्यादा कुछ नहीं, बस वैसे नॉर्मल, क्योंकि क्या बोलूँ, थोड़ी सैड थे हम लोग, इसीलिए कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आज के ना 1 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था आज के दिन ना, कि कुछ मन नहीं था कि कुछ किया जाए, तो इसीलिए कुछ नहीं, बस वैसे नॉर्मल खाना जो था वैसे बन गया था। और इसीलिए कुछ बनाए भी नहीं थे, बट वैसे वैसे रहना भी नहीं चाहिए, कुछ तला भुना बनना चाहिए बर्थडे वाले दिन। रोटी सब नहीं बनती है, तो इसीलिए बना दिए थे, चलो पकोड़े ही बना लिए। नहीं तो वैसे मन नहीं था, क्योंकि हम लोग काफ़ी सैड थे। और देख सकते हो आप सब, मेरे यहाँ कितना प्यारा प्यारा गुलाब लगा है ना, इस टाइम बहुत अच्छे अच्छे गुलाब हैं। और देख सकते हो आप सब कितने प्यारे लग रहे हैं। और मतलब पूरे पेड़ पे ना, मतलब 2 कली 3 कली, हर मतलब है पूरे पेड़ पे, देख सकते हो आप सब। और फिर मायंक आ गया था स्कूल से, मतलब काफ़ी लेट हो गया था ना, वैसे वो स्कूल जाता है, वैसे कोचिंग करके आता है ना, तो आता है लगभग 7:30-8 बजे। तो वो आ गया था, तो चेंज करने जा रहा था, और HB लेके आया था चाउमीन, तो वही खाया था। तो वो अक्सर लेट में आता है, क्योंकि वैसे उसका कोचिंग भी रहता है, तो कोचिंग करके आता है, वैसे स्कूल जाएगा, स्कूल से बुआ के घर पे चला जाता हेलो है। माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, दादी दादे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। HB की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और फिर मैं आ गई थी, पूरा खाना बन गया था और हम लोग सीरियल देख रहे थे, बट बच्चे देखने लगे तो हम चले आए थे। तो पूरा खाना बन गया था, मैं कोई सूट नहीं की थी, लास्ट में मैं बना रही थी पूरी। तो मैं दाल चावल पूरी सब्जी, बस यही नॉर्मल खाना कुछ बनाया है और कुछ नहीं बनाया है आज। वैसे दही बड़ा ये सब बनना चाहिए बर्थडे में, बट सैड बस ऐसे ही नहीं बनाए। और फिर मैं, आप लोग भी आके खा लीजिए, पूड़ी दाल चावल सब्जी सब बना है। मेरे पति परमेश्वर का बर्थडे था आज, बट ऐसे सिंपल सिंपल हो गया। कोई ना, अगर कुछ उस दिन हो जाता है ना, तो मतलब वैसे इंसान भूलता नहीं है कभी कुछ, बट वो तो दिमाग में सेव ही रहता है। अगर कुछ अपनी फैमिली मेंबर में किसी को कुछ हो जाता है, तो आज के दिन ऐसा कुछ हुआ था 1 साल पहले कि हम लोग बहुत सैड थे, तो इसीलिए कुछ नहीं, बस ऐसे नॉर्मल कर लिए। और आज के दिन भी मैं बहुत सैड थी, तो पूड़ी भी बन के रेडी हो गया था, थोड़ा बन गया था, और जब सब लोग खाएंगे तभी बनाएंगे। तो मैं थोड़ा बना ली थी बस भैया के लिए, और सब लोग खाएंगे तब बनाएंगे। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो फिर मैं कोई मतलब शूट नहीं की थी, पूरा पूड़ी भी बना लिए थे और सभी लोग खाना भी खा लिए थे, मतलब बस हम लोग नहीं खाए थे, मम्मी हम और छोटी तीनों लोग नहीं खाए थे, और सभी लोग खाना भी खा लिए थे। तो मैं बर्तन धुल के रख दी थी छोटी, तो मैं उसे भी सेट कर दूंगी। और अभी किचन भी साफ़ करना था, क्योंकि मतलब बर्तन वो पहले ही धुल दी थी, तो मैं सोची चलो बर्तन सेट कर लूँ, फिर उसके बाद में फिर किचन साफ़ करूँ। बर्तन पूरा सेट हो गया था, तो मैं जल्दी जल्दी से पूरा किचन साफ कर लूँगी, क्योंकि ना अगर किचन साफ हो गया ना, तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। और फिर मैं जल्दी जल्दी से किचन साफ कर लूँगी, कितना भी जल्दी करो ना, बट लेट हो ही जाता है। और कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करें। तो मैं गैस ऊपर पूरा साफ़ हो गया था, तो मैं अब पोछा भी जल्दी जल्दी से लगा लूँगी। आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिएगा पूरा दिन ना, हम लोग कितना भी काम करें ना, बट काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा, कितना भी काम करो, अगर रात ना हो ना, तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो मैं जल्दी से गैस पोछ गया था, पोछा भी लगा लूँगी, और अभी सभी लोगों को दूध भी देना है,
तो मम्मी भी मानस को लेके बैठी थी, सुला रही थी उसको, क्योंकि अगर लेके बैठेंगी नहीं तो वो सोएगा नहीं, या तो मैं लेके बैठूं या तो फिर मम्मी लेके बैठे। तो मम्मी लेके बैठी थी। अभी वो इतना बड़ा हो गया ना, फिर भी अभी ऐसा करना पड़ता है। काफ़ी लेट भी हो गया था, लगभग बज रहे थे 10 बज रहे थे लगभग। तो अभी हम लोग खाना भी खाएंगे और फिर भैया को दूध भी दे देंगे। और कैसा लगा ब्लॉग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।